आज हम परियों के साथ साथ माँ के लकड़बग्घे मगरमच्छों को भी देखेंगे, जिनकी हरकत देख आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। और हाँ भाई, इसकी तो फुल गारंटी है कि ये वीडियो आज आपको खूब हंसाने वाली है, इसलिए यार आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, पक्का आपको काफी मजा ही आ जाएगा। तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब भाई मिली इस परी से, जिसके भाई ने इनको एक ऐसा यूनिक तोहफा दिया कि बेचारी के अंदर का छुपा जानवर ही बाहर आ गया। ये देख, मैं एक आईना लाया हूँ। अरे ये मैजिकल आईना है, अंदर से जो तू है वो दिखा देगा इसमें। वो तो मेरे आईने में भी दिखाता। अरे अरे तू देख देख। देख रहे हो, बेचारी शीशे में देखते ही कितना खुश हो गई थी, लेकिन यार तुम तो बेचारी की खुशी को ही पल भर में गायब कर दिए। अब भाई मिली इस माँ के मगरमच्छ से, जो सुबह सुबह कहीं जा रहा था कि तभी उसकी मुलाकात इस गोचू रिपोर्टर से हो गई। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी ठंडी क्यों है? अरे भैया हम नए आए हुए हैं, इनसे पूछ लिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी ठंडी क्यों है? अब्बा जो थे हमारे, वो फ्रिज खोल के चले गए थे तो ठंडी बढ़ गई। भाई साहब हम पूछ रहे ठंडी का क्या चूती है? अरे बेवकूफी वाली बात सवाल कर रहा है, ऐसा लग रहा है हिमालय में जो है बर्फ घिस दी है कि बस सर्दी पड़ी। अरे भाई हमें क्या पता सर्दी, सर्दी हर जगह पड़ रही है, हम क्या, हम ही जिम्मेदार हैं, तो हमसे पीछे पड़ रहे हैं। नहीं यार, मतलब इन रिपोर्टरों के पास पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं बचा है, मतलब कुछ भी उल जलूल पूछना शुरू कर देते हैं। भाई मिली एक और परी से, जो दुकान से लॉलीपॉप खरीद कर खा रही थी कि तभी अचानक से इसका एक लॉलीपॉप नीचे गिर जाता है, जिसके बाद तो भैया मैडम सोच में पड़ गई कि यार उठाऊं कि नहीं, और फिर फाइनली मैडम ने उसे उठाया और तुरंत अपने फ्रेंड को खिला डाला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मतलब यार देख रहे हो इस परी को, वाह भाई वाह, मान गए कि परियां वाकई काफी टैलेंटेड होती हैं। भाई मिली इस मगरमच्छ से, जो क्लासरूम में टीचर से छिपकर अपने बाबू सोना से बात करने में लगा हुआ था कि भैया तभी अचानक टीचर इसको देख गए और फिर आकर इसकी बातें सुनना शुरू कर दी। लेकिन भैया ये बंदा अपने बाबू सोना में इतना खोया हुआ है कि इसे इस बात की भनक ही नहीं लगी कि इसकी बातें मैडम के साथ साथ सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं। लो, 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 लो। जब अचानक से सारे स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगे तो उसके बाद तो भाई इस मजनू का होश ही उड़ गया। अब भैया इस क्लिप में ये तीनों बंदे इस बड़े से कांच को काफी संभालते हुए लेकर जा रहे थे कि भैया तभी अचानक से एंट्री होती इस परी की, जो बिन बुलाए मेहमान की तरफ भाग कर आई इन लोगों की मदद करने। पर भैया ये क्या, जैसे ही परी ने इसको हाथ लगाया, कांच टूट कर चकना चूर हो गया। ओह नो। खैर अब तो कांच टूट ही गया, तो भैया जाओ अब दूसरा खरीद कर लाओ। अब भाई मिलो इस ताऊ जी से, जिन्होंने शायद उस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया कि भैया पुलिस जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए होती है, तो बस फिर क्या, भैया ताऊ अपनी भैंस लेकर पहुंच गया थाने कंप्लेंट लिखवाने। थाने में भैंस लेकर क्यों आए हो तुम? दुआने में मदद करे पुलिस तुम्हारी, ठीक है? और कोई समस्या? क्या समस्या तुम्हारी? यही है। मतलब यार ताऊ जी का इतना यूनिक कंप्लेंट था कि साहब मेरी भैंसिया मुझे दूध निकालने नहीं दे रही है, इसलिए आप पहले इसकी कंप्लेंट लिखो, उसके बाद आप दूध निकलवाने में मेरी मदद भी करो। ओह नो। वाह ताऊ जी वाह, गजब, आपके इस कंप्लेंट के लिए तो आपको अवार्ड मिलना तो पक्का बनता है। भाई मिली इस मोहतरमा से, जो इस मॉल में आई शॉपिंग करने, तो शॉप के बाहर ही खड़े होकर फ्रेंड का इंतजार करने लगी कि तभी वहाँ एक बंदा आया। हॉट हॉट, थैंक यू। ओड़ी बाबा हमको जाने का सामने से हॉट। वाह बेटी वाह, तुम तो मौज कर दिए। भाई मुझे लगता है कि अब इस परी का कोई सामने से आकर भी तारीफ करेगा तब भी ये नहीं मानेगा। अब भाई इसके बाद मिली इस बेवड़े मगरमच्छ से, जो अपने शराब पीने की आदत से इतना मजबूर था कि बेचारा काफी कोशिश के बावजूद भी छोड़ नहीं पा रहा था। पर भैया जब बीबी ने जोड़ दिया तो भाई इसके दिमाग में एक आइडिया आया, तो बस फिर क्या, ये बंदा जुट गया तुरंत खुद को सुधारने में।
भी हो, पर वाकई ये जुगाड़ सुपर से भी ऊपर है। मतलब भाई इस जुगाड़ से तो पक्का बड़ा से बड़ा बेवड़ा भी एक ही दिन में सुधर जाएगा। अब भाई इसके बाद एक नजर इस परी को भी देखो, जो सही सलामत आती है और साइड में अपनी स्कूटी को पार्क कर देती है, जैसा कि सभी लोग करते हैं। पर भैया ये तो ठहरी पापा की परी, और जब पापा की परी है तो भाई कुछ न कुछ तो करेगी ही। इसलिए भैया इसने तुरंत स्कूटी को लॉक करके चाबी को डिग्गी में ही लॉक कर डाली। एक नजर इन मगरमच्छों को भी देखो कि कैसे इस फंक्शन में स्कर्ट और टॉप पहनकर जोरदार ठुमके लगा रहे हैं। नो 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 मतलब यार ये तो परियों को भी फेल कर डाले। परी से जो स्टाइलिश ड्रेस पहनकर पहुंच गई पार्क में टाइम पास करने, पर भैया पार्क में पहुंचकर मैडम अभी टाइम पास करना शुरू ही की थी कि तभी इनका सामना हो गया इस बंदे से। ये हमारे इंडिया में इतनी गरीबी आ गई, लोगों फटे कपड़े पहन पहन के घूम रहे हैं। मैं तेरे फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, ये गरीबी दिखा रहे हो आप इधर। ये गरीबी होती है इंडिया की भाई, फैशन वैशन नहीं होता ये। भाई साहब इसने तो बेचारी को ऐसा टैग दे दिया कि बेचारी अब जब भी ऐसा ड्रेस पहनेगी तो पक्का इसको खूब गाली देगी। वैसे दोस्तों हमारे यहाँ शादियों में दो तरह के लोग आते हैं, पहले तो वो लोग जो जमकर नाचते हैं, और दूसरे वे लोग जो चुपचाप शादी को एंजॉय करके चले जाते हैं। पर भैया ये महा से जो अपने अलग ही स्वैग में कमर तोड़ डांस किए जा रहे हैं। नो नो भैया इसका यह फनी डांस देखकर तो यही लग रहा है कि जैसे इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है। तो हाँ यार कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।